ये आप देख सकते हैं, ओए होए माशाल्लाह। यहाँ पे इस टाइप की स्नो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हवा कैसी चल रही है, क्या सजाया गया है ये देख सकते हैं हमने। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छी सी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक और नई फ्रेश कमाल के ब्लॉग के अंदर। और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे थे घूमने के लिए, और वो भी सिंथन टॉप। तो जिसको पता नहीं है, एक प्लेस है अनंतनाग के अंदर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है। आज के टाइम के अंदर भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। तो मैं और यासर भाई जाएंगे साथ में बाइक के ऊपर, तो अभी हम जल्दी से चल लेते हैं। सजन रे पास तो आना ना कभी। हाँ जी, कहाँ पहुँचे हम? तो जी, अभी हम पहुँच चुके हैं डाकसुम, जो कि एक जगह है जहाँ पे भी जाना है सिंथन पास, वो उसके बीच में ये पड़ता है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो हमें जाना था 83 किलोमीटर घर से दूर, अभी 53 किलोमीटर हमने कवर किए हैं, अभी हमें थोड़ा और चलना है। तो अभी हम थक चुके थे, तो इसलिए मैंने यासर भाई को बोला कि इधर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं। तो अभी एक जगह है यारना, तो इधर के हम चाय पियेंगे, रिफ्रेश होंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। तो अभी हम यासर भाई से पूछेंगे कि इसको कैसा लगा यहाँ तक आते हुए, कैसा मज़ा आया जर्नी में। देखिए, हम तो आए हैं बाइक पर, हम आराम से चले घर से, टोटल 80 किलोमीटर ही जाना है हमको। अभी ऑलमोस्ट हमने 40 किलोमीटर कवर किए हैं। ट्रैफिक भी उतना नहीं था, हम घर से जल्दी निकले थे। तो हाँ, यही है कि सेफली चलना है, आराम से चलना है, बेहतर होगा कि अगर गाड़ी है आपके पास तो गाड़ी में आइए, बाइक पे थोड़ा रिस्की रहता है। बट अगर धीरे चलेंगे तो बाइक से भी ठीक रहता है। ओके ओके, बाकी व्यू आप देख लीजिए। अभी हम डाकसुम में हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, छोटा सा पिकनिक स्पॉट है ये। तो आगे जो मेन जगह जो है वो है सिंथन टॉप, यहाँ पे हमें जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम अभी 9:15 सुबह के, सर्दी जैसी लग रही है। वहाँ जाके पता नहीं क्या टेम्परेचर होगा। विश अस लक, थैंक यू। आ चुके हैं जी यहाँ पे चाय स्पेशल। यासर भाई, इसका टेस्ट आप कीजिए, देखिए कैसा इसका टेस्ट है। ये मक्खन लगा है, मक्खन देखा दिखाओ। मक्की की रोटी भी मिलेगी यहाँ, बट अभी हम ब्रेड पे ही गुजारा कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट कैसा इसका? ठीक है, अच्छा ठीक है, रिफ्रेश। अभी हम यहाँ पे चाय, और काफ़ी अच्छा लगा चाय पी के, बिल्कुल रिफ्रेश हो गए। अभी यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, थोड़ा बहुत इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, और कुछ हम यहाँ पे फोटोग्राफर्स खींचते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। 5-10 मिनट यहाँ पे स्पेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम वापस से कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा साफ। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये भाई ने 2.5 लाख की क्लास लाए थे। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी देख सकते हैं, मैंने पहन लिए है। कमेंट बॉक्स पे बोले कैसे मैं लग रहा हूँ। तो अभी हम थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे चीज़ों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी जगह है, यहाँ पे बंदर घूमते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जी गाइस, अभी हम चलते हैं वापस जहाँ पे हमें जाना था सिंथन टॉप। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो जी, अभी हमने और 10-12 किलोमीटर कवर किए होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा खूबसूरत नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं, ओए होए होए माशाल्लाह।
तो अभी हमें और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, नियरली एक घंटा हमें लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इस नज़ारे को देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं बालों की क्या हालत हो चुकी है बाइक चलाते चलाते, क्योंकि यहाँ तक खाली मैंने ड्राइव किया, फिर अब यहाँ से यासर भाई ड्राइव करेगा। और ये रही जी हमारी बाइक, तो हेलमेट मैंने पहना था तो उसकी वजह से बिल्कुल बाल सारे ख़राब हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बाल तो होंगे सेट। सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत रोड ख़राब ही है। तो दोस्तों अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं जी सिंथन टॉप, जो कि अनंतनाग किश्तवाड़ रोड पे एक हिल स्टेशन लोकेटेड है, और ये 12,500 फीट हाई आल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने ज्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, और अभी इस टाइम पे यहाँ पे हवाई काफी तेज चल रही है जिसकी वजह से आपको ऑडियो क्लियर नहीं आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। तो यासर भाई अब आप मुझे बोलिए कि आप आउट ऑफ द जेंट की भी गई है, आपने काफी ज्यादा स्टेट्स एक्सप्लोर की है, अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सबसे पहले तो जब हम डिसाइड करते हैं कहीं जाना है, तो जैसे हमने आज डिसाइड किया कल संथन टॉप जाए, संथन टॉप पहुँचने से पहले रास्ता है उसमें भी अलग मजा है, संथन टॉप में तो मजा है ही, लेकिन जो रास्ता है रास्ते में जंगल है जर्नी है उसका एक अपना बेहतरीन मजा है। और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं गाइस। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आगे जो है स्नो स्लाइडिंग हो रही है। मैं आया हूँ यहाँ पे लास्ट नियरली 5 साल हो गए जब मैं यहाँ पे आया था, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्नो था, अभी तो काफ़ी ज़्यादा कम है, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्नो है, तो हम इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कैसा मज़ा आएगा यहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, एक्सप्लोर करेंगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मेरे साथ यासिर भाई भी है। तो अभी हमने खाना वाना कुछ नहीं किया, खाली ब्रेकफास्ट हमने किया था रास्ते में, अभी हम देखेंगे 1 बजे हम खाना खाएंगे, लेकिन उससे पहले स्नो राइडिंग जरूरी करेंगे और साथ में हम पैराग्लाइडिंग भी करते हैं, तो भी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे शीप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं घास खा रहे हैं मस्त से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप की स्नो है, स्नो तो यहाँ पे है लेकिन पूरी ख़राब हो चुकी है, जो एक्चुअल स्नो होती है वो वाइट कलर की होती है जो पूरी प्योर होती है, लेकिन यहाँ पे ये डस्टी की वजह से ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। तो इसी पे एडिंग करते हैं यहाँ पे। अभी हम जाएंगे जी ऊपर, ये जो पहाड़ है इसको बिल्कुल टॉप के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ बिल्कुल टॉप के ऊपर। तो यहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पे प्लेन एरिया है,
तो हम वहीं पे बैठेंगे, एक तो लंच उधर ही करेंगे और थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं हम। बिल्कुल वहाँ नीचे से अब देख सकते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ है उधर से हम आए हैं पैदल। पहाड़ चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है ये चढ़ते चढ़ते। पता नहीं ये यासर भाई कैसे चढ़ पाता है, इसका स्टेमिना मुझसे ज़्यादा है, मैं थक गया इतना ही चढ़ गया। तो अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में, तो जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं जी। अभी हम पहुँच के फाइनली यहाँ पे टॉप के ऊपर, यहाँ से आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पे आप देख सकते हैं हवा कैसी चल रही है, कपड़े कैसे उड़ रहे हैं हवा से, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन। काफ़ी मज़ा है यहाँ पे, काफ़ी सुकून भरी जगह है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे ज़रूर आइए। तो अभी हम यहाँ पे लंच करेंगे और हमने घर से जो है खाने पीने का सामान लाया है साथ में, क्योंकि आगे ही पता था कि यहाँ पे कोई होटल वोटल नहीं है तो नहीं मिलेगा कुछ उतना अच्छा, अगर मिलता भी है तो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं होगा जितना घर का है, घर का स्पेशल खाना होता है, तो वो हम साथ में लाए हैं। तो अभी हम लंच कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्प की फ़ोटो खींचने में, तो क्योंकि यासर तो इसलिए मेरी सबकी हेल्प की फ़ोटो खींचने में। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अगर आप आएंगे तो आपके भी फोटोज खींचेंगे, बने रहिए बैठेगा। आप देख सकते हैं ये है जी हॉर्सेस घोड़े, इनको क्या सजाया गया है ये देख सकते हैं, इन्होंने कैसी चीज़ें पहनी है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और ये सुंदर बेहतरीन से लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हॉर्स राइडिंग भी करेंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगी ये देते हैं, एक राइड की 500 लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा है। नीचे से हम यहाँ पर आए हैं इसका 500 लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगा रहता है, उतने पैसे नहीं थे क्योंकि अभी नेट भी नहीं चल रहा है, क्या है पसंद नहीं है कि हमें नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये हमें साथ आइए क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। टाइम आ चुका है इस प्लेस को छोड़ने का, अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से, नहीं कर रहे हैं बाहर पड़ेगी घर पे। और यहाँ पे यासर भाई बैठ चुके हैं बाइक के ऊपर, अब ये ड्राइव करेगा यहाँ से घर पे। तो जी गाइस ये वाला वीडियो शूट हो रहा है लास्ट वाले फ्रेम के 3-4 घंटे बाद, और अभी हम फाइनली घर आ चुके हैं और बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है, बिल्कुल पूरी तरीके से थक चुके हैं। चेहरे की हालत आप देख सकते हैं कैसा हुआ है, मज़ा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा थक गए क्योंकि बाइक के ऊपर गए थे, नियरली हमने 160 किलोमीटर कवर किए होंगे आज दिन में। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।